आज मेरे साथ हैं विशाल कोटियन, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, कुछ फ्लैशबैक में जाने वाले हैं, कुछ फ्यूचर की बातें करने वाले हैं। और मैंने सुना है कि इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपको ये भी बहुत कुछ बताने वाले हैं ना। वेलकम सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड बोल बम। चलो शुरुआत करते हैं भोलेनाथ जी का नाम लेकर। तो चलिए सबसे पहले बताइए अब तक लाइफ कैसी चल रही है। यार बहुत अच्छी चल रही है, गॉड इज़ बीन काइंड, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा है। बिग बॉस के बाद ढेर सारा काम किया, ढेर सारा काम और भी कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आई एम इन अ गुड स्पेस इन लाइफ। सो हाउ इज गोइंग लाइक वर्क वाइज इफ विल टॉक। वर्क वाइज आफ्टर बिग बॉस हैव कम्प्लीटेड, बहुत कम काम बाकी है। एक फिल्म कम्प्लीट की है पार्टनर्स नाम की, डायरेक्टेड बाय परितोष पेंटर, प्रोड्यूस बाय परितोष पेंटर, जिन्होंने हाल ही में 7 मराठी फिल्में अनाउंस की है विद ऑल द मेजर स्टार्स ऑफ मराठी। सो मैं उन्हीं के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ पार्टनर्स नाम की, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही बड़ी फिल्म है। तो वो फिल्म कंप्लीट की है। उसके अलावा थिएटर 2 साल से बंद था, मैं थिएटर से हूँ इतने सालों से, 15 साल से थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल से थिएटर करने के लिए तड़प रहा था क्योंकि कोविड के कारण थिएटर खुल ही नहीं रहे थे। अब थिएटर खुले हैं तो मेरा एक प्ले है 3 चेयर्स, हिंदी प्ले है जो लॉन्च हुआ है, जिसके शोज मुंबई में हुए हैं, हमने अहमदाबाद दुबई में शोज़ किए हैं, अब हम नैरोबी जा रहे हैं, तो उस प्ले को लेकर पूरी दुनिया भर में घूमेंगे। सो ये किया है। इसके अलावा होस्टिंग कर रहा हूँ, आई एम होस्टिंग कपल ऑफ अवार्ड शोज़, बिग अवार्ड शोज़, टेलीविजन पे भी कुछ बड़े शो की बात है होस्टिंग की। होस्टिंग में हमेशा से करना चाहता था, लोगों ने मेरा टैलेंट देखा बिग बॉस ने मुझे बिग बॉस में, और मुझे मौका मिल रहा है अब तो बिल्कुल वो करना चाहूँगा। तो फिल्म किया है, प्ले चल रहा है, होस्टिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ जो करना चाहता हूँ। मैंने सुना आप फिटनेस पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अब फिटनेस पे तो मैं जब 10 साल का था तब से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट, अब 25 साल हो गए। आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन गोजुरियो कराटे, आई वॉज एन एथलीट, आई यूज टू रन 100 and 200 meters फॉर माई स्कूल एंड कॉलेज। तो फिटनेस का एक दौर तब से रहा है, फिटनेस इज माई लाइफ स्टाइल। जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं कपड़े पहनता हूँ, जैसे मैं नहाता हूँ, वैसे ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटा यानी कि 4% होता है 24 में से। अगर 1 घंटा आप अपने आप को दो, अपने शरीर को दो, विच इज़ ओनली 4% ऑफ द डे, तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। अगर 1 घंटा 4% भी अपने आप को आप नहीं दे पाओ तो फिर आपको फिटनेस की बातें करने का हक ही नहीं है। सो मेक फिटनेस योर लाइफ स्टाइल एंड यू विल ऑलवेज बी इन अ हैप्पी बॉडी, बिकॉज यू हैव ओनली 1 बॉडी, जिंदगी में एक ही बॉडी है जिसके अंदर हमें रहना है। सो ट्रीट योर बॉडी वेल एंड योर बॉडी विल ट्रीट यू वेल। आजकल आपको शूट्स वगैरह में भी काफ़ी बिजी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं वही फिल्म कर रहा था, फिल्म के शूट पर बहुत ही बिजी था। अभी तक तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वही किया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई बिग बॉस के बाद बहुत सारा टेलीविजन का काम आया, बट आई हैव केप्ट अ लिटिल अवे, नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू टेलीविजन, टेलीविजन ऑलवेज विल बी माई फर्स्ट लव, पर कुछ अच्छे मौके मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ OTT एंड इन टर्म्स ऑफ फिल्म, तो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर। उतनी तेज़ी से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम करेंगे, धीमे काम करेंगे, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे, यही सोच है, क्योंकि एक 20 साल का एक्सपीरियंस भी है टू नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड नाउ। सो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी।